आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, निफ्टी ट्रेंड की बात करते हैं और निफ्टी ट्रेंड में अभी क्या इंडिकेशन और कहां पर निफ्टी अपना बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में क्वेरीज कर रहे हैं, काफ़ी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं कि क्या निफ्टी का रिवर्सल 10,000 या 10,200 से आएगा या निफ्टी 10,000 को हिट करेगा, ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। सो देखिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने पीछे 11,000 के लेवल को भी देखा और 11,000 के लेवल को देखने के बाद हमने ये देखा कि काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया मार्केट ने 11,000 के लेवल को तोड़ने के लिए, बिकॉज दैट वाज अ साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है और जैसे हमने आपसे बात किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बात किया था आपसे कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल 11,000 ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो फिर 10,000 का लेवल पॉसिबल हो जाएगा। रीज़न कि एक साइकोलॉजिकली ब्रेकआउट हो गया, एक वीकनेस जनरेट हो गई, एक सेलिंग जनरेट हो गई और अब फिर से वही ट्रेंड बन रहा है। हालांकि जितना शार्प डाउन ट्रेंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे तेज डाउन ट्रेंड आया और मार्केट में कुछ ही दिनों में 11,000 से 10,000 आ गया। बट अब क्या 10,000 के नीचे मार्केट टूटेगा? तो उसके लिए देखिए, बहुत ही फेयरली मैं आपसे बात करूँगा, इतना ईजीली नहीं टूटेगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर 10,000 टूटेगा देन कहाँ पर जाएगा, बट क्या 10,000 टूटेगा उसके लिए देखिए, 10,000 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एज वेल एज साइकोलॉजिकल लेवल। जब 10,000 के ऊपर मार्केट नहीं गया था उस वक्त 10,000 को क्रॉस करने के लिए मार्केट ने पूरी स्ट्रेंथ पूरी ताकत लगाई थी और एक बार 10,000 के ऊपर चला गया तो 11,000 को पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। सेम कॉन्सेप्ट अब अप्लाई होगा जब 10,000 के नीचे मार्केट जाएगा तो जो गिरावट का दौर रहेगा वो काफ़ी तगड़ा ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, अब कहाँ पर सपोर्ट लेगा इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे एंड देन उसके बाद आगे के रीजंस की बात करेंगे। अभी निफ्टी की बात करें 10,316 है, यानी कि अभी 316 पॉइंट के नीचे हमारा 10,000 का लेवल है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 34,376.99 है, यानी कि 800 पॉइंट के अराउंड नीचे गया था वो फ्राइडे को और निफ्टी 282.8 पॉइंट नीचे गया था। अभी यहाँ पर हमारे पास चार्ट है, मंथली चार्ट पे हम लोग बात करते हैं, देखिए बिकॉज जब तक आप लोग एक लॉन्ग टर्म के चार्ट पे बात नहीं करते तो पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट पे बात करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या होने वाला है। सी देखिए, ये जस्ट अ मोमेंट, अभी आप देखेंगे ये सेंटर लाइन जो है ये आपकी, सॉरी ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अभी दो बड़ी कैंडल्स टॉप से, जब भी टॉप से गिरनी शुरू हुई है मंथली कैंडल्स में और दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थी, इनका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे आकर रहेगा जब मार्केट में कोई क्रैश आएगा। इंटरनेशनल लेवल पर क्रैश आएगा मतलब कुछ बड़े इवेंट्स होंगे ग्लोबली, तब लेवल आएगा ये 8800 का। बट क्या अभी ऐसा होने वाला है हाल फिलहाल में? तो अभी हाल फिलहाल का लेवल कहाँ रहेगा मंथली कैंडल पे अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन आप मैक्सिमम मान के चलिएगा कि मंथली कैंडल पे हम इस कैंडल का लो, ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल का लो है 9960, यानी कि 9960 का जो लेवल है इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं कर पाया, ये ब्रेक हो गया, इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई मार्केट में, तब इसका मतलब है कि कुछ बड़े ग्लोबल नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट होने वाले हैं या हो चुके हैं,
जो कि ऑलरेडी हम और आप नहीं जानते हैं बट मार्केट के बड़े दिग्गज लोग जानते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि अगर 9960 के नीचे मार्केट आपको एट द एंड ऑफ द मंथ अक्टूबर या नवंबर या किसी भी मंथ में 9960 के नीचे जो भी मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा उसमें अगर आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि अब एक बड़ी गिरावट की गुंजाइश मार्केट में बन रही है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है न्यूज़ कभी आप तक पहुंचती हैं, कभी नहीं पहुंचती हैं, कभी आपको पता चलती हैं, कभी नहीं पता चलती हैं, वो सब आप भूल जाइए। आप मार्केट के लेबल को ध्यान रखिए, केवल आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट का लेबल ये आ चुका है, यानी कि कुछ नेगेटिव ग्लोबल सेंटीमेंट जनरेट होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो 9960 का जो लेबल है वो बहुत ही क्रूशल लेबल है। अगर एक बार उसके नीचे मंथली कैंडल में अगर आपको दिखाई दे जाता है मार्केट, तब आप समझ जाइए कि अभी जो पोजीशन है वो अब 9000 के लेवल को जाने वाली पोजीशन है। ये तो हमने बात की मंथली चार्ट पे। अब अगर बात करता हूँ मैं वीकली कैंडल पे बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, फिलहाल या डेली कैंडल पे आप बात कर लीजिएगा। सो डेली कैंडल पे अगर हम बात करेंगे और सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो मुझे लगता है तकरीबन 10000 का जो लेवल है 10016, ये एक रिवर्सल पॉइंट होगा। यहाँ से आप ये मत सोचिए कि लगातार मार्केट गिरेगा और 9000 पहुंच जाएगा, नहीं, ऑलरेडी मार्केट काफ़ी बॉटम आ चुका है, ऑलरेडी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो 10000 से अब मार्केट हो सकता है कि 100-150-200 पॉइंट और नीचे आए, 10100 बट 10000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा एज ऑफ नाउ, जब तक कि 9960 का लेवल ब्रेक नहीं होता। ठीक है, सो 10000 का लेवल आएगा या 10100 का लेवल आएगा, वहां से एक रिवर्सल की गुंजाइश रहेगी। रीज़न कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड में आ चुका है और बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है कहीं ना कहीं 10,000-10,200 के बीच में। और जैसा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट के थ्रू कुछ अदर वीडियोस का रेफरेंस दिया, तो मैं जो नितिन भाटिया जी की बात हो रही है वो काफ़ी एजुकेटेड और क्वालिफाइड पर्सन है, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि मार्केट को 10,200 या 10,000 के बीच में कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन करना चाहिए और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में 400-500 पॉइंट तक की। ठीक है, लगभग 10,500 तक वापस हम मान सकते हैं, जिस तरह की हमें पता है कि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले 3 स्टेट्स में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आपको कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बताएंगे भी जो कंट्री लेवल पे चल रही हैं। जैसे बॉन्ड यील्ड है, बहुत ही हाई लेवल है बॉन्ड यील्ड का, अगर हम बात करेंगे मोर देन 8% बॉन्ड यील्ड करीब इंडिया की है। अब बॉन्ड यील्ड क्या होती है आप इसको समझिएगा, बॉन्ड यील्ड होती है गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, बेसिकली जो 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड है वो मोर देन 8 है, मतलब अगर कोई बॉन्ड आप परचेज करते हैं तो उसका जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आता है वो लगभग मोर देन 8 रुपीज़ आपको मिलता है। सो ये बॉन्ड यील्ड का बेसिक फंडा होता है। दूसरी चीज़, क्रूड अपने आप समझ लीजिए बहुत ही हाई प्राइस पर है, जब क्रूड बढ़ता है तो पूरे कंट्रीज़ की जो भी इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ होती हैं क्रूड को, उनकी पूरी इकोनॉमी डबाडोल हो जाती है, क्योंकि सब कुछ क्रूड पर डिपेंड करता है, सब कुछ ऑयल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्रूड $84 पर बैरल, अभी यहाँ से कितना नीचे आता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी $84 है, $86 तक गया था। रुपी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, 74 के ऊपर निकल चुका है रुपी, अभी एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है 75 भी टच कर जाए। तो आपकी जो यू नो आपकी जो खुद की करेंसी है वो गिर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में जो आप जो मटेरियल जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेटल सेक्टर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक कहना चाहिए कि जो डर का माहौल होता है वो पैदा होता है। बट यहाँ पर हमारा फंडा डर फैलाने का नहीं है और हम ये चाहते हैं कि आप लोग डरिएगा भी मत, बिकॉज रीज़न इज दैट कि आपसे ज़्यादा गवर्नमेंट को, आपसे ज़्यादा जो RBI है उसको देश की चिंता है, वो सोच रहे हैं कि क्या करना है आगे की चीज़ों को स्टेबल किया जा सके। ठीक है, सो मैंने आपको बताया 10,000-10,200 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और वहाँ से एक रिवर्सल आएगा और प्राइस लेवल्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 1500-1600 पॉइंट दो दिन के अंदर गिरा, 800 पॉइंट और उससे पहले फिर 800 पॉइंट। तो अब ये ऐसा नहीं कि हर दिन 800 पॉइंट गिरता रहेगा मार्केट, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में जो गिरावट थी वो आज से शेड्यूल नहीं थी, वो ऑलरेडी पहले से ही पता था कि मार्केट में गिरावट आनी है। रीज़न अगर आप जून का डेटा देखेंगे तो P27 का था जून में, 1 जून को 27 का P था। आप उससे पीछे का भी डेटा उठाकर देखेंगे, NSE की साइट पर जाइए, NSEIndia.com, प्रोडक्ट्स कंटेंट इक्विटीज़ के अंदर इंडिसीज एंड हिस्टोरिकल जो भी डेटा है उसमें आप निफ्टी 50 का चेक कर सकते हैं।
और आप देखेंगे लगातार पी मोर देन 27 रहा। यहाँ पर 18 जून 19 जून 20 जून और आप देख सकते हैं ये 25 तक आ गया था ये, और ये 25 तक रहा तकरीबन 3rd of July तक। उसके बाद वापस ये बढ़ना शुरू हुआ और आप देखेंगे यहाँ पर 27th of July को ये 28 का पी आ चुका था, और ये 28 का पी अपने पीक पर था जो कि पिछले दो बार से हुआ 2000-2008। ठीक है, दोनों टाइम में जब जो पी रेशो था वो लगभग ऑलमोस्ट 28 का था, और वहाँ पे हम इंडिकेशन था कि मार्केट में गिरावट का दौर चलेगा। ठीक है, और रेस्ट आप देखेंगे उसके बाद कभी भी 27 से नीचे नहीं गया, और ये यहाँ पर अब जब जो गिरावट हमें देखने को मिली है सेप्टेम्बर लास्ट वीक में और अक्टूबर फर्स्ट में, उसमें हमने देखा कि अब जो पी है वो 24.95 है, और अभी स्टिल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं पी को लगभग 20 के तक आने में। एक बार 20 की रेंज में पी आता है तो फिर समझ लीजिएगा कि अब मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, बट 20 का पी आने में अभी समय लगेगा। मार्केट एक बार बाउंस बैक दिखाएगा, वहाँ से बाउंस बैक दिखाने के बाद कंसोलिडेशन होगा, फिर बजट सेशन आएगा, बजट सेशन के बाद फिर जो भी अनाउंसमेंट होगा उसके बाद फिर से एक करेक्शन आएगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से करते हुए मार्केट का जो पी होगा वो कंसोलिडेट होगा। अगर यील्ड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया की जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर्स की वो 8.02 है। ठीक है, 8.02, यानी कि आप देखेंगे पीछे यूएस की 3.22 है, यूके की 1.72 है, जापान की 0.15, जर्मनी की 0.56, ब्राज़ील की बस इंडिया से ज़्यादा है 11.37 बॉन्ड यील्ड। ठीक है, उसके अलावा पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, नीदरलैंड, स्पेन, कनाडा, मैक्सिको की 8.14 है, न्यूजीलैंड 2.61, ऑस्ट्रेलिया 2.71, इटली 3.41। तो ये बॉन्ड यील्ड में आप देखेंगे कि इंडिया की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी ऑलरेडी काफ़ी हाई है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ कंसोलिडेट होगी, कुछ करेक्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा GDP ग्रोथ रेट आप देखेंगे लास्ट 1.9% थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.52 इंडिया इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन रेट 3.69% है। ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली आया है, इंटरेस्ट रेट जिसमें कि अनचेंज हुआ है, RBI ने कोई चेंजेस नहीं किया, 6.5 का है। ठीक है, और इसके अलावा बैलेंस ऑफ ट्रेड आप देखेंगे कि जो लास्ट था वो माइनस के 17,390 US डॉलर था। ठीक है, गवर्नमेंट डेट टू GDP 68.7%। ठीक, एंड उसके अलावा आप रुपी करेंसी को देखेंगे 73.77, स्टॉक मार्केट में 34,377 पॉइंट पर, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स की 8.02 है। ठीक है, और रेंज क्या है, रेंज है 4.96, मतलब अभी तक की जो मिनिमम बॉन्ड यील्ड रही है इंडिया की 10 ईयर्स की वो 4.96 रही है, और मैक्सिमम जो रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 14.76 हाईएस्ट रही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये इंडिकेटर्स को आप चेक कर सकते हैं क्वार्टरली, ये वेबसाइट आप tradingeconomic.com साइट है जिसको आप जाके जो भी डेटा आपको चेक करना है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें बात करते हैं ये आने वाले समय में, तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है घटेगा माइनस के 11,100, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा 2020 तक 28,900 पहुंच जाएगा, इंपोर्ट 45,240 से 43,000 आ जाएगा, करंट अकाउंट, एक्सटर्नल डेट, टर्म्स ऑफ ट्रेड, कैपिटल फ्लोस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इंक्रीज होना है 2020 तक, यानी FDI का निवेश जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सारे इंडिकेटर्स को, फोरकास्ट को चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट काफ़ी बेटर लगी मुझे इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। साथ ही अगर रेटिंग देखेंगे रेटिंग एजेंसीज़ की, तो हम लोग आपको एक बार इंडिया की रेटिंग भी दिखाते हैं कि जो रेटिंग एजेंसीज ने अभी तक इंडिया को रेटिंग दी है, B- BAA2 BBB- एंड BBB, यानी कि रेटिंग है वो भी कोई बहुत अभी इम्प्रूवड नहीं है, उसमें भी काफ़ी कुछ करना है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे आप जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया कॉम्पीट कर रहा है, उन सबकी रेटिंग्स AAA, AAA+ इस तरह से हैं, जबकि हमारी रेटिंग BBB- तो अभी रेटिंग में भी सुधार करने की गुंजाइश है। तो बहुत कुछ चेंजेस गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे करने पड़ेंगे, अगर यू नो ग्लोबली जब तक कंट्री की पहचान तभी बनती है जब आपकी रेटिंग एजेंसी से जो रेटिंग्स होती हैं वो बेटर होती हैं, निवेश तभी आना शुरू होता है, क्योंकि सब कुछ रेटिंग एजेंसीज़ की रेटिंग पर डिपेंड करता है। और एक बार रेटिंग एजेंसीज़ ने आपके कंट्री की रेटिंग को बी से निकाल के ए की रेंज में डाल दिया, तो समझ लीजिए कि आपकी कंट्री का टर्नअराउंड हो गया, बदल गया, उसके सारे जो भी यू नो कहते हैं कि जो जो प्रभाव होते हैं वो केवल रेटिंग एजेंसीज़ पर चल रहे हैं इस वक्त।
तो इसीलिए ज़्यादा फोकस होता है किसी भी स्टॉक पर। आप देखेंगे कि रेटिंग एजेंसीज बुलिश हो जाती हैं तो उस स्टॉक के अंदर निवेश बढ़ जाता है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस स्टॉक में निवेश को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से कंट्रीज़ का भी होता है, जब कंट्रीज़ की रेटिंग एजेंसीज रेटिंग इंक्रीज करती हैं तब जो निवेशक होते हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं अदर कंट्रीज़ की, जो बिजनेस होते हैं वो आके आपकी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं, निवेश करते हैं बड़ा, उससे आपकी कंपनी की इकोनॉमी बूस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के जीडीपी वगैरह आप देखेंगे 7th पॉइंट पे है, चाइना 3rd पॉइंट पे है जीडीपी के मामले में 12,237 एंड इंडिया की जीडीपी है 2,597.4 है। तो 7th ये सभी बिलियन में है, यूएसडी बिलियन में, आपको मैं आंकड़े बता रहा हूँ मैं। तो इंडिया का 2,597 बिलियन यूएसडी एंड यूके का 2,622। अभी अगर रफ्तार में काम करता रहा इंडिया तो जल्दी यूके को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेटाज है। अभी ब्रांड क्रूड आप देखेंगे 84 का चल रहा है। सो अभी ग्लोबल सेंटीमेंट्स नेगेटिव तो हैं लेकिन अभी इतने ख़राब नहीं है कि मार्केट में कुछ बड़ा क्रैश आ जाए। ठीक है, सो अब लेट्स वेट करते हैं हम लोग कि क्या कुछ बड़े क्राइसिस का इंतज़ार है, क्या कुछ बड़े क्राइसिस आने वाले हैं या आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तभी निफ्टी 10,000 के नीचे जाएगा, अदरवाइज़ आपको वो 10,600-700 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा और निफ्टी के पी को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, सो फिलहाल आप मान के चलिए 10,000-10,200 के बीच में निफ्टी आके रिवर्सल पॉइंट लेगा। 9,960 अगर टूट जाता है लेवल तो आप समझ जाइए कि कुछ बड़े क्राइसिस का अंदेशा है और मार्केट में एक बड़ा करेक्शन वापस आएगा। सो रिमेंबर 9,960 इज़ द मोस्ट क्रूशल सपोर्ट लेवल, अगर वो हिट हुआ तो फिर निफ्टी फ्री फॉल गिरेगा अगेन। सो दोस्तों, ये हमने बात की निफ्टी के ट्रेंड के बारे में, कुछ हमने आपको इंडिकेटर्स की वेबसाइट्स बताई, आप वहाँ जा सकते हैं। निफ्टी के पी को भी आप कुछ लोगों ने कहा था निफ्टी के पी को चेक करने के लिए, तो आप ये NSE की जो भी लिंक है आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप इस शेयर पर जाके डे बाई डे या मंथ बाई मंथ जब भी आप निफ्टी के पी को चेक करना चाहें तो आप निफ्टी के पी को चेक कर सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कि अब निफ्टी का पी किस लेवल पे है, क्या निवेश का सही मौका है या अभी और गिरावट की संभावना है। तो ये हमने बात की निफ्टी के ट्रेंड के बारे में, ओवरऑल आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी पैनिक क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ रिवर्सल आना चाहिए मार्केट के अंदर और वापस लगभग 10,500-10,600 की रेंज में निफ्टी को वापस जाना चाहिए। ऊपर कितना लेवल तक जाता है वो हम जैसे जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ रिवर्सल लेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को मनी ट्री को, और अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें, आप तक उनके नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे। सो गाइस, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें, पैनिक ना हो। जल्दीबाजी में ना तो आप लोग बहुत बड़ी खरीदारी करें और ना ही जल्दीबाजी में अपनी होल्डिंग्स को बेचने का निर्णय लें, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। सो दोस्तों, जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।